गरियाबंद के कुटेना घाट में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गई टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। खनन अमला पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ पांडुका पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं 4 नामजद समेत अन्य 12 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मारपीट बलवा समेत 10 गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज हुआ। माइनिंग निरीक्षक सुभाष साहू की लिखित शिकायत के बाद पांडुका पुलिस ने स्थानीय 4 आरोपियों के अलावा अज्ञात 10 से 12 आरोपियों के खिलाफ मारपीट बलवा शासकीय कार्य में बाधा समेत विभिन्न 10 गैर जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं जिला माइनिंग अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर 29 जनवरी की रात माइनिंग की टीम कुटेना में चल रहे अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान मौके पर 3 चेन माउंटेन और 20 से भी ज्यादा हाइवा मौजूद थे। वहीं कार्रवाई के दौरान रेत माफिया ने सरकारी अमले से मारपीट शुरू कर दी थी। गरियाबंद से फारूख मैमन की रिपोर्ट। तो हमारी टीम के द्वारा जो है जो 4 सदस्य थे उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और मौके से 2 हाइवा को जब्त करके पांडुका थाना लाए। एक चैन माउंटिंग को ला रहे थे, उसी बीच जो अवैध रेत घाट संचालित करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा हमारी टीम को रोका गया और गाड़ी जाने नहीं देंगे, मशीन जाने नहीं देंगे करके उनसे मारपीट की गई। गरियाबंद माइनिंग की टीम थी जिसमें सुभाष साहू माइनिंग इंस्पेक्टर के टीम के द्वारा अवैध रेत उत्खनन जो घाट कुटेना में संचालित थी उसको कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे। तो कार्रवाई करने के बाद जो है गाड़ियों को जब्ती का जो प्रोसेस होता है वो पूरा करके लोग वापस निकले थे। उसी दरमियान कुछ घाट संचालक और ग्रामीणों के द्वारा रास्ता रोक कर गाली गलौज करते हुए मारपीट किए हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिए हैं। थाने में अभी सूचना मिली है, कल रात में भी मिली थी, आज FIR हो चुकी है और FIR करने के बाद विधिवत जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी।